एक शानदार धमाकेदार वीडियो में दोस्तों स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल CHO एकेडमी। दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्स और एक्सपीरियंस दोनों को मिलाकर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मलाइजेशन पर। एक्सपर्ट 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होंगे और नवम्बर में यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नोटिस जारी हो जाएगा। वीडियो मंत्री जी ने क्या कुछ बोला वो आप लोगों को बताएंगे बाद में। पहले आप लोगों को बता दूं कि ये अपडेट है वो कहां से निकल कर आई है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो हरियाणा की तरफ से है। HSSC का आपने फॉर्म फिलअप करा होगा और उसका एग्ज़ाम है वो नवंबर में होने जा रहा है, 5 और 6 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, तो उस HSC में क्या होता था, पहले सीट एग्ज़ाम्स लगता था, उसके बाद यहाँ पे मेन एग्ज़ाम्स लगता था। और उस सीट एग्ज़ाम में क्या होता था कि यहाँ पे 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था और उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पर पास होते थे, जो 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता वही यहाँ पर एग्ज़ाम में एलिजिबल होते। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है, कैंडिडेट को यहाँ पर राहत दे दी है। अब यहाँ पर जो सीट एग्ज़ाम्स लगेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया अपनाएंगे। पहले वाला जो 4 गुना वाला था वो यहाँ पे बंद कर देंगे। उसका नोटिस है वो आपको एग्ज़ाम से पहले पहले मिल जाएगा। उसमें एग्ज़ाम्स और एक्सपीरियंस दोनों को मिलाकर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट्स है यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने HSS का फॉर्म भरा है और उनकी एग्ज़ाम लगनी है। जी हाँ दोस्तों, मंत्री जी ने भी ऐसा बताया है वीडियो में, मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए। तो चलिए सुनते हैं इस वीडियो में मंत्री जी ने क्या कुछ बोला है नर्सिंग कैंडिडेट और पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए। का जहां तक चर्चा है उसको लेकर कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग नेचर डेवलप उसमें किया जाए, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तो CET का जो एग्जाम होगा उसमें क्वालिफाइंग 50% जनरल और 45% जो है रिजर्व, 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। जो फर्दर टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाइंग के लिए कुछ इशू हैं और मुझे उम्मीद है कि वो मैं एग्जाम कराने से पहले सरकार से बिल्कुल क्लियर करा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने सुना होगा मंत्री जी ने क्या बोला, यहाँ पर क्या कुछ बोला है, बहुत बड़ी अपडेट्स है नर्सिंग कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और जैसा कि आप लोगों को पता है नर्सिंग से जुड़ी हर एक तमाम छोटी बड़ी खबर आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। नर्सिंग फील्ड से हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर या फिर पैरामेडिकल हो, CHO हो, सभी के लिए हम तमाम खबर है वो लेकर आते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का बटन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा चैनल का आप लोगों तक जल्द से जल्द है वो पहुँच सकें और आप लोगों को बेनिफिट है वो मिल सकें, आप जान सकें हर एक तमाम वो नर्सिंग से जुड़ी खबर जो आप लोगों तक नहीं पहुंची हो और हमारे चैनल के माध्यम से वो पहुंच जाएं। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्द से जल्द जो कैंडिडेट फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, न्यू वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।